चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि 2024 के चुनावों को लेकर गर्माते सियासी माहौल को देखते हुए अब हरियाणा सरकार के मंत्री जुलाई महीने के बजाय इसी महीने से फील्ड में उतरेंगे। सभी मंत्री अपने अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे हलकों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। जल्द ही इसका पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये फैसला मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में लिया गया है। बैठक में विपक्षी दलों की बढ़ती फील्ड में सक्रियता को लेकर भी मंथन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक एक मंत्री से जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर सुझाव भी मांगे। वहीं मंत्रियों के सुझाव के बाद फैसला लिया गया है कि जुलाई के बजाय इसी महीने से सरकारी अमले के साथ फील्ड में उतरा जाएगा। और ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। इनमें भिवानी, सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों का नाम शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिलता सेमवाल बने हुए हैं। अनिल, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब फील्ड में उतरने की तैयारी जो है सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है, बैठक में यह फैसला लिया गया, कब से शुरुआत होगी फील्ड में उतरने की? बिल्कुल, देखिए, अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक कल थी और उसमें ये तय किया गया है कि अब मंत्री जो है वो जनसंवाद करेंगे। हालांकि ये पहले से तय किया गया था, मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई थी कि जनसंवाद के जो कार्यक्रम है उसमें मंत्री भी शामिल होंगे, यानी अलग अलग गांव में जो मंत्री है प्रदेश सरकार में वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम इसी तरीके से जारी रहेंगे। हालांकि इसमें एक महीने का गैप रखा गया था, जून में कोई कार्यक्रम जनसंवाद का नहीं हुआ होगा ये तय किया गया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जून से ही मंत्रियों के जो जनसंवाद के कार्यक्रम है वो शुरू होंगे। क्योंकि कांग्रेस लगातार कार्यक्रम जो है वो कर रही है। 4 जून को अभी रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से किया गया, इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को और बढ़ाया गया 2 माह के लिए कांग्रेस की तरफ से। साथ ही विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी लगातार यात्रा चल रही है। इस तरीके से विपक्ष की जो सक्रियता है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अब जो संवाद के कार्यक्रम है अब वो जून माह से ही शुरू किए जाएंगे और एक प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और साथ ही उन समस्याओं का हल मौके पर ही किया जाए। जी अनिल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि 13 बड़ी रैलियां जो हैं होने वाली हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर देखा जाए चुनाव को लेकर काफी कमर कस ली है बीजेपी ने, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी इस बार कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाली है या फिर बीजेपी इस बार बाजी मार जाएगी? देखिए, अभी चुनाव में काफी समय है, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में है, विधानसभा का भी 2024 में है, उससे पहले नगर चुनाव होने हैं और ये देखना होगा कि अंबाला लोकसभा की जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव होता है या नहीं होता है, और नगर निगम के चुनाव पहले होंगे, उसमें देखना होगा कि किस तरफ लोगों का रुझान जो है वो नजर आ रहा है। ये बात चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी समझ चुके हैं कि जनता के बीच जाने के जाकर ही जनता का समर्थन है वो पूरी तरीके से हासिल किया जा सकता है, और यही कारण है कि अभी 1 साल का समय बाकी है लोकसभा का चुनाव में, और उससे पहले ही जो सक्रियता है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है, चाहे विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिलता सेमवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी यहाँ पर बताया कि किस तरीके सभी पार्टियों ने कमर कस ली आगामी चुनावों को लेकर और जगह जगह जाकर हर जिले में जाकर लोगों से बातचीत करी, सीधा संवाद कर रही है।